मोदी सरकार में जनता के सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं। बहुजन समाज की नेता बहन कुमारी मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक की सबसे कमजोर नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसमें जनता के बुनियादी सवालों का सामना करने की हिम्मत नहीं है। बहन कुमारी मायावती ने जनसभा को एक को संबोधित करते हुए कहा कि इन लोगों ने संविधान, लोकतंत्र और संस्थानों को नष्ट करने की पूरी तरीके से योजना बना ली है। संविधान और लोकतंत्र जनता को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि लोग काम करने के लिए बजाय सिर्फ बातें करते हैं, इसलिए आपको मजबूत नहीं होने देना चाहते। देश में इससे दुर्लभ सरकार और कोई नहीं हो सकती है। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता की आवाज सुनना सबसे बड़ी राजनीति शक्ति है। सरकार आपको बात नहीं सुन रही है, ये शक्ति नहीं दुर्बलता है। इस सरकार में वह हिम्मत नहीं कि आपको बातें सुन सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव-गांव इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको किसान को अपने गांव में घुसना पसंद नहीं करते हैं और वो उनकी सच्चाई दिखाई देती है। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि इस बात की गवाह है कि प्रधानमंत्री अपने करीब 5 साल के कार्यकाल में अपने ही संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में नहीं गए। वह अमेरिका, चीन, जापान और अफ्रीका समेत बाकी पूरी दुनिया में घूम आए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगे हैं, लेकिन अपने देश के गाँव को देखने का उनके पास टाइम नहीं है। अगर वो अपना एक भी दौरा कैंसिल कर देते हैं तो उस पे जो करोड़ों रुपए खर्च आता है उसको भी माफ करके किसानों का कर्ज माफ किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पता चलता है कि इस सरकार का दिल उद्योगपतियों और अमीर बनाने में लगा है, उनके ब्रांड एम्बेसडर है, गरीबों का उत्थान करने में नहीं। बहन कुमारी मायावती ने चेतावनी देते हुए कहा कि समय आ गया है अपनी शक्ति को पहचानने का। आप मन बनाइए और उसे वोट देंगे जो आपके लिए काम करेगा। एक ऐसी सरकार लाएंगे जिसमें आपकी सुनवाई हो, आपकी आवाज दबाई ना जाए। वो होगी बहुजन के लोगों की अपनी सरकार। देश ने SC ST OBC के लोगों को 16-पॉइंट रोस्टर के अंदर लगा के बिल्कुल ही नौकरी से निरस्त कर दिया है। प्राइवेटीकरण कर करके पूरे देश का बुरा हाल कर दिया है। अब जनता इन सब बातों को समझ गई है और आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को खानी पड़ सकती है तीखी शिकस्त। ये थी ऐसे न्यूज की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।